देखो भाई, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, ट्रेंड इनस्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट। भाई आपको पता है कि ये अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्टेबिलिटी मिल रही है, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट हायर, इस शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? हायर ऑक्सीजन स्टेट का मतलब है कि एक मेटल था, मतलब हम सबसे हायर कौन शो करते हैं हमारे पास, एमएन जो एमएन वो 7 तक शो करेगा, बिल्कुल क्रोमियम प्लस 6 शो करेगा, ये रहा। तो बेसिकली देखो, क्लियर कर देते हैं मैं पूरा। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो हायर ऑक्सीजन स्टेट जो आ रहे हैं ना आपके, देखो जैसे मान लो एमएन है, एमएन क्या शो करता है, मैक्सिमम प्लस 7। अब प्लस 7 का मतलब है कि इसके सातों इलेक्ट्रॉन के साथ किसी ने बॉन्ड बना लिया, फिर सातों इलेक्ट्रॉन इसके लूज हो गए, प्लस 7 का ये मतलब होता है। अब एमएन है ना, अपनी मर्जी से ये नहीं करेगा, उससे कोई करवाएगा, भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दो करने, तीन करने, कर देगा। लेकिन जब सात सात इलेक्ट्रॉन लूज या फिर सातवीं शेयरिंग करनी हो ना, तब किसी की इसको हेल्प चाहिए, और हेल्प देने वाले जनरली कौन होते हैं, फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन। बिकॉज ये क्या होते हैं, फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन ये क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, सबसे मैक्सिमम ये, उससे कम ये होता है। ये वाले जो है ना, इनकी मदद से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है। अगर ये नहीं होंगे तो हायर ऑक्सीजन स्टेट शो हो नहीं पाएगी। अब इसको समझते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आई थिंक समझ में आ गया, मतलब बेसिक थीम ना, मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दी क्या सीन है। अब यहाँ पे लिखा क्या क्या हुआ, ध्यान से देखना एक बार। एक बात तो टेबल में आपको क्या दिखा रखा है, स्टेबल हैलाइड दिखा रखे हैं 3D वाले, यानी कि स्कैंडियम टाइटेनियम रोडियम इस सीरीज के दिखा रखे हैं। हाईएस्ट टाइटेनियम में तो 4 की शो हो रही है, वैनेडियम में 5 की, क्रोमियम में 6 की, प्लस 7 की जो है ना एमएन के अंदर वो हैलाइड से शो नहीं हो पाएगी, इसलिए टेबल में दी नहीं हुई है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, अब देखो टाइटेनियम की ना, टाइटेनियम की जो शो हो रही है उसमें कोई भी हैलाइड लग सकता है, टाइटेनियम के साथ एक्स दे रखा है, एक्स का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ भी लग सकता है। पर वैनेडियम की हाईएस्ट शो करने के लिए सिर्फ कौन होना चाहिए, फ्लोरीन। अरे बस समझ में, क्रोमियम की हाईएस्ट शो करने के लिए कौन होना चाहिए, फ्लोरीन। और एमएन में तो सिर्फ फ्लोरीन से काम भी नहीं चलेगा, एमएन के अंदर हमें ऑक्सीजन भी चाहिए और फ्लोरीन भी चाहिए। तो ऐसा ये क्या होगा यहाँ पे, देखो एमएन जो होगा ना, एमएन उसके बाद तीन तो बनेंगे डबल बॉन्ड ओ और एक लगेगा एफ। अब देखो कितने बॉन्ड बन गए टोटल, सभी के अंदर F के ऊपर -1, O के ऊपर -2, इसके ऊपर -2 आ गया, इसके ऊपर -2 आ गया, और इसके ऊपर कितना आ गया, फिर सबको छोड़ दो, +2 +2 +2 +2 +1 +7 आ गया। तो Mn की हाईएस्ट शो करने के लिए तीन तो भाई ऑक्सीजन लगाने पड़ेगा, एक फ्लोरिन लगाना पड़ा, जान लगाने पड़ी काफी, तब इसने +7 शो करा, ये मतलब निकल गया इसका। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। टाइटेनियम में तो कोई भी हैलाइड लगा दो, +4 की हाईएस्ट शो कर देगा। वेनेडियम में हाईएस्ट शो करने के लिए फ्लोरीन लगाना पड़ा, क्रोमियम में भी क्या लगाना पड़ा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को। एमएन में सिर्फ फ्लोरीन से काम नहीं चला, हमें इसलिए क्या लगाने पड़े, तीन ऑक्सीजन भी फ्लोरीन के साथ लगाने पड़े। और एमएन के बाद भाई किसी की औकात ही नहीं है कि वो तीन, मतलब एफई और कोबाल्ट के अलावा किसी को औकात नहीं कि वो तीन से ऊपर भी शो कर पाए, है ना? तो सिर्फ एफई ऐसा है जो तीन की शो करेगा, कोबाल्ट ऐसे तीन शो का, बाकी सब तो क्या कर रहे हैं, मन दो दो की शो कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, और इसके जो डिस्कस करना है अपने को वो क्या है, ध्यान से देखना प्लीज एक बार। एफई के साथ जो तीन एक्स लगे ना, वो एक्स पे वन लगा हुआ है, मतलब एक्स वन का मतलब क्या है कि एफई के साथ सिर्फ फ्लोरिन क्लोरिन और ब्रोमिन लगेंगे, और एफई जब टू बना रहा है फिर तो कोई भी लग सकते हैं, एक्स मतलब फ्लोरिन से आयोडीन तक। कोबाल्ट के साथ क्या लगेंगे, सिर्फ फ्लोरीन लगेंगे, और कोबाल्ट टू शो करेगा तो कोई भी एक्स टू लग सकता है उसके साथ, ठीक है? और निकल के अंदर कोई भी एक्स लग सकता है, इन सभी भी लग सकता है। तो मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि एमएन तक तो +7 शो कर लिया, इसके बाद आपको पता है +7 शो करते ही नहीं है, इसके बाद या तो +2 शो कर रहे हैं, या फिर सिर्फ दो ऐसे हैं जो +3 शो कर रहे हैं, और एक ऐसे जो +1 भी शो कर रहा है। तो इन सभी के लिए मैं क्या कंक्लूड कर दूं, सारे के सारे +2 शो कर रहे हैं, सिर्फ दो हैं जो +3 शो कर रहे हैं, और सिर्फ एक है जो +1 शो कर रहा है। यही हमारी पहले की टेबल में भी आप देख लो, ठीक है? ये देखो, ये पहले की टेबल है ना, मैक्सिमम सिर्फ एमएन तक शो हो पा रहे हैं, उसके बाद सारे के सारे +2 तो शो कर रहे हैं, फिर दो ऐसे हैं जो +3 भी शो कर रहे हैं, और एक ही ऐसा है जो +1 शो कर रहा है। इनको कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये स्टेबल वाले नहीं है, ठीक है? हमें तो डार्क वर्ल्ड पे फोकस करना है। ये चीज क्लियर हुई? अब देखो आसानी है बिल्कुल यहाँ पे, है ना, मुश्किल तो है नहीं।
चलो एक्सटेंशन हो रहा ये था चीज क्लियर होगी। नहीं अच्छा, और फिर हमने इसके अंदर क्या देखा कि भाई टाइटेनियम वालों को बनाने के लिए हैलाइड लगाने पड़ेंगे, वैनेडियम के साथ फ्लोराइड, क्रोम के साथ फ्लोरीन लगाना पड़ेगा, परायमन के साथ तो सिर्फ अकेले फ्लोरीन से काम नहीं चलेगा, तीन ऑक्सीजन भी लगाने पड़ेंगे, और बाकी फिर हमने ऑब्जर्वेशन देख ही ली। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक बात क्या आती है कि हमें ना दो दो चीजों का रोल देखना है। एक है फ्लोरीन का रोल, ऐसा फ्लोरीन में क्या खास है भाई कि वो हायर शो करवा पाता है, और फिर ऐसा ऑक्सीजन में क्या खास है ना। इन्हीं को हमने क्यों चूज करा? आपके दिमाग में अभी तक क्या रीजन आ रहा होगा? सर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर एक्चुअल में ऐसा रीजन, सिर्फ ये रीजन काम का नहीं है, और भी हमें रीजन देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या क्या बातें लिखी हैं, बस थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर अपना काम चल जाएगा यहाँ पे। देखो, जो फ्लोरिन की एबिलिटी होती है ना हाईएस्ट को स्टेबलाइज करने की, उसके दो कारण हैं, या तो हायर लैटिस एनर्जी आएगी या फिर आएगी हायर बॉन्ड एंथैल्पी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लैटिस एनर्जी की हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, जहां पे आयनिक रिएक्टर काफी ज्यादा हो, और बॉन्ड एंथैल्पी की हम लोग बात करते हैं जहां पे कोवलेंट नेचर ज्यादा हो। क्लियर है? तो फ्लोरीन को भाई आप आयनिक वालों में इस्तेमाल कर लो, वो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा कर देगा। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा मतलब सॉलिड मजबूत बना है, तो मतलब स्टेबल है सॉलिड। फिर अगर आप फ्लोरीन को कोवलेंट बॉन्ड के साथ बनवा लो तो वो बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा कर देगा। बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा मतलब मजबूत बॉन्ड है, मतलब कंपाउंड मजबूत है, मतलब स्टेबल कर रहा है वो, तो दोनों जगह वो स्टेबल कर रहा है। एक जगह लैटिस एंथैल्पी बढ़ा करके इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक जगह बॉन्ड एंथैल्पी बना के इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड नेचर यहाँ पे CO(F3) को लिया गया है ना, आयनिक वाले केस में CO(F3) को लिया गया है, और कोरेंट केस में वैनेडियम और क्रोमियम को लिया गया। तो जब फ्लोरीन कोबाल्ट के साथ लगा है तो ये क्या क्या इसकी बढ़ा रहा है यहाँ पे, ये कोबाल्ट के साथ क्या बढ़ा रहा है भाई? लैटिस एनर्जी। और इनके साथ क्या बढ़ा रहा है? ये इनकी बॉन्ड एनर्जी है ना। हालांकि देखो क्या होता है, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होने चाहिए क्योंकि मेटल्स हैं, और ये फ्लोरीन का होता है नॉन मेटल, तो आयनिक कंपाउंड होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है कोवलेंट नेचर काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इनका साइज छोटा तो बड़ा है। वेनेडियम के ऊपर जब, यहाँ पे रीजन क्या रहेगा, कोरेंट कंपाउंड क्यों है ये, वेनेडियम के ऊपर जब +5 चार्ज आ रहा है, हाँ हायर कंपाउंड में जब आएगी, तो इसका रीजन एक्चुअल में क्या, हायर में भी कोरेंट की शो करेंगे, जब इतना हाई चार्ज वेनेडियम के ऊपर आ गया तो इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पोलराइजिंग पावर खींच लेगा, है ना, इसलिए इसके अंदर कोरेंट नेचर आ जाएगा। तो एक होता है कटायन आपके पास, एक होता है एनायन। जब कटायन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच लेता है अपनी तरफ तो आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या आ जाता है, कोवलेंट नेचर आ जाता है, वही सीन यहाँ पे हुआ। तो ये जो हायर वाले थे ना, ये होने कैसे चाहिए थे, आयनिक, पर इनके अंदर कौन सा नेचर आ गया, कोवलेंट नेचर, इसलिए इनके अंदर फ्लोरीन ने क्या बना दी, क्या बढ़ा दी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ा दी। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड ही है, और आयनिक के अंदर क्या बढ़ा देगा, फ्लोरीन, लैटिस एंथैल्पी। तो आपसे सिंपल सवाल पूछूं, फ्लोरीन में ऐसा क्या खास है, तो कोरन कंपाउंड में क्या बढ़ा देगा वो, बॉन्ड एनर्जी, और आयनिक कंपाउंड में क्या बढ़ा देगा वो, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। और आयनिक वाले का एग्जांपल कोबाल्ट वाला है, और कोरेंट वालों का एग्जांपल क्या है, वेनेडियम और क्रोमियम वाला, जहां पे हायर ऑक्सीजन स्टेट है। ठीक है भाई, और यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन और रिवाइज कर लेते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का नेचर कैसा आता है, कोवलेंट, और लोअर ऑक्सीजन स्टेट का नेचर, हाँ वो मतलब मैं कह रहा था कि होते हैं आयनिक कंपाउंड है, वो लिख दिया था मैंने कि होने चाहिए था आयनिक कंपाउंड, पर शो क्या करते हैं ये, कोवलेंट नेचर, वो है बस बात, लिख देता हूँ। ठीक है चलो, तो मतलब क्लियर होगी बात आपको, तो भैया फ्लोरीन में ऐसा खास क्या है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ा देगा, इसकी लैटिस एंथैल्पी बढ़ा देगा, बस कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या आता है कि एक आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जो वेनेडियम +5 है, वेनेडियम के अंदर जो +5 आपको दिया हुआ है ना, +5, उसके अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ BF5 आ गया +5 के अंदर, और यहाँ पे लिखा आ गया दी अदर हैलाइड हाउएवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सो हैलाइड, यानी कि ये चीज हो गई। ठीक है, तो वेनेडियम वाला जो है +5 वाला, वो सिर्फ एक ही शो करेगा BF5, जो बाकी के हैलाइड है, बाकी के हैलाइड इन द सेंस जैसे कि ये वाले,
इनकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस, और इनसे बनेंगे आपके ऑक्सोहैलाइड्स। अब ये जो ऑक्सोहैलाइड दे रखा है इसके अंदर देखो वी है, उसके बाद एक ओ है, और तीन क्या दे रखे हैं एक्स। तो इसमें स्टेट क्या आ रही है इसकी, ओ के ऊपर माइनस टू, इनके ऊपर माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, तो किसमें आ गया प्लस फाइव में। तो अगर आपने वेनेडियम के साथ फ्लोरीन फाइव नहीं लिए, कोई और ले लिए, तो उनका ये हाल होगा, उससे ऑक्सो एसिड बन जाएंगे। आप चाहते हो वेनेडियम का सिर्फ हैलाइड बने, तो आप क्या लो, सिर्फ VF5। आपने कोई और सा ले लिया गलती से, तो भाई उसके क्या बन जाएंगे, ऑक्सो हैलाइड। ये बात समझ में आ गई। इससे क्या पता लगता है, अनदर फीचर फ्लोराइड, फ्लोराइड का एक और फीचर क्या है कि उनकी इनस्टेबिलिटी इन लो ऑक्सीजन स्टेट। जो लो वाली ऑक्सीजन स्टेट आती है, लो वाली, जैसे कि ये है यहाँ पे, इनके अंदर फ्लोरीन नहीं मिलेगा, फ्लोरीन हायर में मिलेगा, सिर्फ फ्लोरीन लोअर में नहीं मिलेगा, वो बात लिखी है। एंड COX क्या होगा आपका, ये वाला COX है, COX के अंदर को नंबर 3 लिखा है, मतलब 3 में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लो, फ्लोरीन नहीं ले सकते। तो हायर ऑक्सीजन स्टेट में हम किसको लेके चल रहे हैं जनरली, लोअर ऑक्सीजन स्टेट में फ्लोरीन को नहीं लेने का, क्योंकि ये स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा उसको, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इनस्टेबल होगा, स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, तो एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर होते चल रहे हैं, अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है, देखो कॉपर जो है ना, कॉपर, वो कॉपर आपको प्लस वन में मिलता है, और कॉपर आपको प्लस टू मिलेगा। प्लस वन को बोलते हैं क्यूप्रस, प्लस टू क्या बोलते हैं क्यूप्रिक। तो अब यहाँ पे क्यूप्रिक की बात देखते हैं, जब क्यूप्रिक हैलाइड होंगे आयोडाइड को छोड़ के, मतलब बेसिकली क्या है, जब कॉपर प्लस वन में है तो क्या लोगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और जब कॉपर प्लस टू में तो क्या लोगे, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पे आयोडीन नहीं लेंगे और यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लेंगे, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अगर आपने सीयू प्लस टू तो आयोडीन ले लिया, तो क्या करेगा, सीयू प्लस टू आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, बस ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो फिर अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे जो कॉपर के कंपाउंड है वो अनस्टेबल होते हैं, कॉपर वन वाले, और वो क्या कर देते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होती थी, एक तरह की डिसप्रोपोर्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, हाँ एक तरह की क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। बट यहाँ पे ना, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन अगर है तो रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी, यहाँ पे एक ही एलिमेंट की रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन, ये क्या हो रही है, रिडक्शन। तो कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू बन गया, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और कॉपर प्लस से कॉपर बन गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो साइमल्टेनियसली कॉपर की ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। क्लियर है। अच्छा, फिर एक रीजन हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ये फिर से रिपीटेड बात है, देखो जो कॉपर प्लस टू है ना वो स्टेबल है कॉपर प्लस वन आयन से, क्यों, क्योंकि देखो जब हम कॉपर से क्या बनाएंगे, कॉपर प्लस वन, इसमें क्या देनी पड़ेगी, आयनाइज एंथैल्पी वन। जब हम कॉपर प्लस वन से क्या बनाएंगे, कॉपर प्लस टू, क्या देनी पड़ेगी हमें, आयनाइज एंथैल्पी टू। सुनो सुनो, तो यहाँ पे क्या सीन होगा कि जब आपको कॉपर प्लस वन से कॉपर प्लस टू बनाना, तो थोड़ी एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ रही है, पर कॉपर प्लस टू अगर एक बार बन गया और इसको अपने पानी में घोल दिया, तो निकलने वाली हाइड्रेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे, अब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकल रही है, कोई बात नहीं, ये दे दो, मतलब कि क्या हुआ, कॉपर वन से कॉपर प्लस टू बनाने में जो एनर्जन थेरेपी रिक्वायर्ड थी, वो हाइड्रेशन थेरेपी ने क्या कर दी, कंपनसेट, फुलफिल कर दी, मतलब जो चाहिए थी वो यहाँ से मिल भी गई। अगर आप सिर्फ कॉपर प्लस वन रखोगे, उसकी हाइड्रेशन थेरेपी क्या आती है, कम, मारिए। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि कॉपर प्लस वन कम स्टेबल होता है, कॉपर प्लस टू ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या है कि कॉपर प्लस टू को बनाने में बेशक हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है थोड़ी ज्यादा, पर हाइड्रेशन थेरेपी भी यहाँ पे ज्यादा निकल रही है और वो इसको कॉम्पनसेट कर देगी। कहानी खत्म, ठीक है, यही लिखा हुआ यहाँ पे, स्टेबिलिटी वीक ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन थेरेपी ऑफ कॉपर प्लस टू देन कॉपर प्लस, विच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकंड। तो सेकंड को कंपनसेट ये कर देती। तो बताओ अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ, बिल्कुल अच्छे से। अब ये वाला पैराग्राफ बचता है और ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर आगे क्या है, टाइम कितना हो जाए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन की
स्टेबलाइज करना, किसको स्टेबलाइज करना, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को, वो ऑक्साइड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब टाइम सफिशियंट है तो अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम ऑक्सीजन का रोल देख रहे हैं, हाईएस्ट वाली ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज करने में ऑक्सीजन का क्या रोल है, और उसको हम किसके थ्रू समझेंगे, उसको हम समझेंगे ऑक्साइड के थ्रू। अब आगे क्या दे रखा है इसके अंदर, कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड के अंदर आ सकता है वो क्या है, वो ग्रुप नंबर से थोड़ा कोइंसाइड करता है, और क्या होगा, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम ग्रुप नंबर क्या है, 3, और इसका हाईएस्ट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ऑक्साइड में 3 शो हो रहा है। ये 3 ऑक्सीजन लगे हैं, देखो स्कैंडियम Sc2O3 है, तो O के ऊपर चार्ज कितना आ गया यहाँ पे, बेसिकली -6 आ गया, 3 है तो, और स्कैंडियम कितने दे रखे, 2, तो एक तो मतलब 2 स्कैंडियम में कितना चार्ज आ रहा है, +6, तो एक स्कैंडियम में कितना आएगा, तो मतलब वही है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो हुआ वो ग्रुप नंबर ही हुआ, क्योंकि स्कैंडियम का ग्रुप नंबर क्या होता है, 3, देख लो बेशक चेक कर लेना ग्रुप नंबर, इसका क्या है, टाइटेनियम, इसका ग्रुप नंबर कितना होता है, 4, तो टाइटेनियम में क्या होगा, +4 शो करेंगे। ऐसे Mn का ग्रुप नंबर कितना होता है, 7, तो Mn में मैक्सिमम कितनी शो होगी, 7, तो ये चीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, 7 नंबर के बाद कोई भी हायर ऑक्साइड Fe के +3, देखो Fe2O3 में Fe की स्टेट कितनी होती है, +3, आर नॉन कोई भी नहीं मिलते, बस आपको फेरेट मिलेंगे जो कि एल्कलाइन मीडियम में ही बनते हैं, बट वो फिर टूट के FeO3 और O2 ही बना लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने, कहने मतलब ये है कि अगर आपने ऑक्साइड लिए तो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेंगे, +3, +4, +5, +6 और +7, और Mn तक मैक्सिमम कितनी शो कर देंगे, +7, ये कौन है, ऑक्साइड है। और Mn के बाद फिर क्या शुरू होगा, मन, उसके बाद कौन आएगा, स्टैंडर्ड एलिमेंट क्रोम मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनके अंदर क्या सीन हो रहा है, इनके अंदर क्या सीन हो रहा है, ध्यान से देखना, इनके अंदर एक तो आपको Fe मिल जाएगा Fe2O3 में, और ये अगर ये आपको मिलता है Fe में, इसमें हायर ऑक्सीजन स्टेट है, पर ये फिर टूट जाता है बाद में, और ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, कुछ होते हैं ऑक्सो कैटायंस, ऐसे कि ये देखो वैनेडियम 5, ये क्या लिखा है, इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब वैनेडियम कौन सी स्टेट में, +5 में। ऑक्साइड का रोल हमने यहाँ पे देखा, कुछ ऑक्सो कैटायन भी होते हैं, जैसे कि VO2+, दिख रहा है आपको, दिख रहा है तीनों को ना, VO2+ होता है, दिख रहा है ना, ये छोटा 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 हो गया, तो VO2+ होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, VO2+, ये VO2+ और ये VO2+, जब VO2+ है तो यहाँ पे वैनेडियम +5 शो करेगा, जब VO2+ है तो यहाँ पे वैनेडियम क्या शो करेगा, +4, और टाइटेनियम भी 4 शो करेगा इस फॉर्म के अंदर। मतलब ऑक्सीजन का जो रोल है हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शो करने में, वो ऑक्साइड की फॉर्म में भी ऑक्सीजन शो करवा रहा है इनसे, लेकिन भाई मैं ऑक्साइड अब तुम्हारा बना दूंगा और तुम हाईएस्ट शो करना, फिर ऑक्सीजन क्या कह रहा है कि मैं ना ऑक्सो कैटायन बना देता हूँ, वहां पे भी तुम हाईएस्ट शो कर दो, है ना। तो ऑक्सीजन ने ऑक्साइड की फॉर्म में भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनसे शो जबरदस्ती करवा ही दी, और ऑक्सो कैटायन की फॉर्म में भी इसने करवाई, उसे करनी पड़ेगी अब तुम्हें, तो कर दी इन्होंने यहाँ पे। अरे बस समझ में, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट स्टेट्स एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन, मतलब कि फ्लोरीन से भी ज्यादा इसके बस किया करवाना शो, इसके अंदर और ज्यादा पावर है, ठीक है। इसलिए जो MnMn है उसका फ्लोराइड तो खाली कहां तक जा पाएगा, सिर्फ 4 तक, पर अगर आप लगा दोगे ऑक्सीजन तो भाई फिर वो शो कर देगा 7 तक भी, जो कि इसकी मैक्सिमम होती है। तो फ्लोरीन है, अच्छा अच्छा है, ऑक्सीजन के सामने इसकी बस की नहीं है, ऑक्सीजन के बस की ज्यादा है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, वो आपको पहले बता चुका हूँ, ज्वेबिलिटी ऑक्सीजन की क्यों इसके बस की ज्यादा, वो इसका रीजन है सिंपल, ये वर्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ और वही इसकी सुपीरियरिटी को एक्सप्लेन करता है। और ये जो Mn2O7 है, इसका स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के दिखा रखा है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा इसका, देखो Mn लगा दो, एक ऑक्सीजन बीच में ब्रिज की फॉर्म में लगा दो,
और बाकी क्या लगा दो, डबल बॉन्ड वाले तीन, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड वाले तीन। देखो इसकी वजह से एक दो तीन चार पांच छह सात, सात बॉन्ड ऑप्शन बना रहे हैं। स्टेट कितनी आ गई इसकी, प्लस सेवन। यहाँ पे भी कितने बना रहे हैं सात, इसकी भी कितनी आ गई, प्लस सेवन। और इसके अंदर एमएन क्या शो कर रहा है, प्लस सेवन, और वो फ्लोरिन वाले केस में शो नहीं कर पाएगा यहाँ पे इसमें, ठीक है भाई। अच्छा और कुछ क्या दिया हुआ इसके अंदर, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे लिखा है कि जो ये स्ट्रक्चर है ना एमएन, जो टेट्राहेड्रली मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्राहेड्रल मतलब इस तरीके से एक दो तीन, समझते हो टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रली चार ऑप्शन से घिरा हुआ है ये एमएन, क्लियर है। और जो टेट्राहेड्रल MO4N-1 होता है आयंस, वो इन सब के लिए भी मिलते हैं, और नॉन फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो ये यहाँ पे अपना क्या होता है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद टॉपिक क्या आता है अपने पास, हाँ केमिकल रिएक्टिविटी। ये जो केमिकल रिएक्टिविटी टॉपिक है ना, ये अगर मैं तुम्हें पढ़ा दिया ना, तुम बताओ मुझे क्या, सर आपने धोखा दे दिया। कैसे धोखा दे दिया, ध्यान सुनना, ये टॉपिक है ना ये खुद का टॉपिक है ही नहीं, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना वो इसमें रिपीट करके दे रखा है बस। प्रूफ करूं कैसे, देखो ठीक है, देखो जरा क्लास चल रही है अभी, देखो प्रूफ तो करूं कैसे है। ट्रांजिशन मेटल जो है काफी काफी वाइडली शो करते हैं अपनी केमिकल एक्टिविटी। कुछ ट्रांजिशन मेटल पागल है बिल्कुल रिएक्टिविटी के लिए, और कुछ होते हैं नोबल, गोल्ड प्लेटिनम नोबल मेटल है। बताओ पहला पैराग्राफ खत्म। थोड़ा इसमें और क्या दिया हुआ है कि बहुत सारे इतने इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं कि वो मिनरल एसिड में घुल जाएं, लेकिन कुछ ऐसे नोबल होते हैं जो एसिड से इफेक्ट होते ही नहीं, सिंगल एसिड से, उनके लिए एक्वारिजिया वगैरह चाहिए होता है, सुना हुआ एक्वारिजिया का नाम। तो पैराग्राफ में कुछ था खास, भाई ये लिख रखा है कुछ मेटल बहुत रिएक्टिव है, कुछ मेटल रिएक्टिव नहीं है, जो रिएक्टिव नहीं है उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, नोबल। एग्जाम्पल क्या होगा फरहान, गोल्ड प्लेटिनम बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं मेटल, तो ये बात होगी। शुभम समझ में आ रहा है भाई, ठीक है ना। पहला पैराग्राफ, भाई जो ट्रांजिशन मेटल है डी ब्लॉक वाले, उनकी रिएक्टिविटी में बहुत फर्क होता है। कुछ कुछ मेटल तो बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि एसिड में घुल जाएंगे, और कुछ घुलते नहीं एसिड में, वो बहुत ही कम रिएक्टिव है। एक तो ये पॉइंट हो गया। आगे इसमें क्या दे रखा है कि मेटल, ठीक है, मेटल पहली सीरीज के कॉपर को छोड़ दो, है ना। आप नोटिस करो, देखो ये चीज हमने कहां पढ़ी है, ये हमने कहां पढ़ी है, यहां पढ़ी है। देखो कॉपर का तो प्लस वन आ रहा था, कॉपर ही एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर बस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, बाकी सारे होंगे और एसिड को क्या कर देंगे, एसिड से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो जो है मतलब ऐसा होगा, ठीक है, वो रिएक्शन कर लेंगे। हालांकि जो रेट है ना इसका, वो कई कई बार काफी कम होता है, काफी काफी स्लो होता है, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली सारे कर देंगे। एक बात कंप्लीट हुई। उसके बाद देखो कलर चेंज करके अगली बात बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है, टाइटेनियम और जो वेनेडियम है ना, असल में वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से जो है वो रिएक्शन कर ही नहीं पाते, एक तरह से आर एसिड मतलब रिएक्शन कर ही नहीं पाते। तो इस पूरे में क्या लिखा हुआ है, पहली सीरीज के डी ब्लॉक के मेटल कॉपर को छोड़ के थियोरिटिकली काफी रिएक्टिव हैं और वो एसिड से रिएक्शन कर जाएंगे। हालांकि कभी कभी असल में उनका जो एक्चुअल रेट है वो क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, धीरे भी करेंगे कई बार। और इवन देखा जाए तो टाइटेनियम वेनेडियम है ना, वो असल में नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, जो हल्के एसिड होते हैं थोड़े से, जो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, जो सिर्फ एच पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी जो है रिएक्शन नहीं करते कई बार। तो यहां तक कंप्लीट, क्लियर भाई। उसके बाद देखो जो इनोड वैल्यूज हमें दिए हैं सेकंड वाले पैराग्राफ, याद करो एक तो पैराग्राफ हमारा क्या था, m प्लस थ्री से m प्लस टू, और उसके नीचे का पैराग्राफ दे रखा था, एक्चुअली ऊपर ये दे रखा था और नीचे वाला ये पैराग्राफ है ना। तो ऊपर वाले पैराग्राफ की बात करें, नीचे वाले की भी करेंगे देखो आगे जाके लो। तो इस पैराग्राफ में क्या था, इंडिकेटेड डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट कैटायंस, भाई लेस नेगेटिव होता जा रहा था और प्लस टू के कैटायंस बनने की टेंडेंसी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। दिस जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव, देखो लेस नेगेटिव होती जा रही थी वैल्यू, इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट, देखो रिपीट बात है, वहां भी ये लिखा हुआ था, यहाँ पे फिर से लिख दिया इन लोगों ने, बात रिपीट है, समझ में आ रहा भाई, पर आया समझ में नहीं। देखो ये बात पढ़ो क्या लिखी है यहाँ पे, ये देखो जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव इनोड वैल्यू अक्रॉस द
सीरीज इज रिलेटेड टू जनरल डिक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्शन थ्योरी, मतलब ये जो वैल्यूलेस नेगेटिव होती जा रही है इसका रीजन क्या था, फर्स्ट सेकंड एक्शन थ्योरी बढ़ती जा रही है ना, ये दोबारा लिख दिया अगलों ने, बताओ इसलिए कहा था ना धोखा दे रहे हैं। ये पढ़ो, द नेगेटिव वैल्यूज फॉर इतना इंडिकेट डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवर्जेंट कैटायंस अराउंड द सीरीज टुवर्ड्स द लेस नेगेटिव वैल्यूज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट सेकंड, रिपीटेड बात है नया, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। उसके बाद आगे देखो, इट इज नोटेड ई नोट वैल्यूज फॉर Mn निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव, वही हो रहा था उस टेबल के अंदर भी है ना, ये भी लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन जनरल ट्रेंड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड Mn वाली और जिंक के लिए D10 और निकल के लिए होती है हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन थेरेपी, तो सारी बातें रिपीटेड, इसलिए कह रहा था इसको पढ़ाऊंगा तब क्या कहोगे धोखा हो गया। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ, सुनो आगे, सुनो सुनो सुनो, अच्छा सुनो सुनो, देखो उसके बाद जो एग्जामिनेशन है इन वाली ये भी देख लेते हैं, सेम ही दे रखा है ये ना, Mn+3Cu+3 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, मतलब सेम बात है यहाँ पर रिपीटेड, कैसे मैं आपको एक हल्का सा रिपीट कर देता हूँ बस, भाई देखो जो प्लस थ्री में खुश है वो प्लस थ्री से प्लस टू में, सॉरी मैं Mn को लिख दिया, प्लस टू में नहीं जाना चाहेंगे, जो प्लस टू में खुश है वो आराम से जाना चाहेंगे, उसके बेस पे बात दे रखे इसको एक बार।